1, 2, 3, लाहौर में इंडियन पंजाबी फिल्म ड्रामे वाला के ओपनिंग सीन की रिकॉर्डिंग की गई। तमासील थिएटर लाहौर में इंडियन पंजाबी फिल्म में जो पाकिस्तानी फनकार शामिल हैं उन्होंने अपने सीन को रिकॉर्ड करवाया। कैसर पिया, सरदार कमाल, आसिफ इकबाल, शाहिद खान और इसी तरह रूबी अनम साहिबा ने अपने सीन्स की रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल करवा दी। ये फिल्म बताया जा रहा है कि इसी साल 24 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज़ होगी, जिसमें भारत के कई नामवर पंजाबी फनकार जो हैं वो शामिल हैं। ये फिल्म किस कहानी पर मबनी है, इस वीडियो में आपको तमाम तक गुफ्तगु जो है वो सुनने को मिलेगी। भाई ये चार पांच बंदे बैठे थे, वो आगे कहना माँ तू मेरे छोड़ के क्यों चलेगी, माँ इस दुनिया ते तू ही ते मेरा आसरा सी, कौन कहेगा मेनू के मेरे पुत्र दी खैर होवेगा, और कौन होएगा। बिल्कुल सही आया, बिल्कुल अल्लाह ने सही आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ तुहाडे सारेयां दी अपनी रूबी अनम, और मैं कच्चा मेकअप नहीं हुंदा, वो जिवें हले मैं पूरा प्लस्तर नहीं कीता, लेकिन उहदे बावजूद क्योंकि असियां जो कुछ वी आ जिहड़े वेखण वाले ने उहनां दी बदौलत वी आ ते मीडिया दी बदौलत वी आ, ते मैं फिर उंजी आ गई आ ते तुसीं मैनूं इंजी कांटे पाने नहीं, मैं भुली। तो फिल्म ड्रामे वाले साडा मेरा एक भरा अल्लाह नूं जिंदगी देवे, उहदे वास्ते मैं ख्वाब वेख्या सी, ते अल्लाह मियां इह ख्वाब सारे पूरे करे। ख्वाब होंदे वेखण वास्ते ने और पूरे होण वास्ते होंदे ने, टुटण वास्ते नहीं होंदे। तो मैं ख्वाब वेख्या, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के तुसीं वेख लैणा कि इह फिल्म दे विच तुहानूं की नज़र आएगा, कि पहली फिल्म है जिहदे च पाकिस्तानी तुहानूं ज़्यादा नज़र आणगे। रिदम वॉइस तो बाद गिल प्रोडक्शन जिहड़ी है वे, इहदे विच तुहानूं फनकारां दे नाल प्यार मुहब्बत और फनकार खुल के काम करते भी नज़र आएंगे। तुम वेखोगा सरदार कमाल साहब साढ़े, आसफ इकबाल साहब, हनी अलबेला साहब, कैसर पीए ने तो अखीर ही की है, छड़ दौ जी कैसर पीए तो बहुत शौक है, साड़िया भी गल्ला खाँदा रहा, स्क्रिप्ट पहले पढ़ लेंदा तो साढ़े डायलॉग भी आप ही बोल गया। तो इंशाला मैं तुम्हें रज के मोटी नज़र आवगी, क्योंकि मेरा रोल इंज द, और उस तो 2 महीने बाद फिर मैं तुम्हें एक फिल्म के बहुत सुकी नज़र आवगी। ऐसे ही फिल्म का अल्लाह खैर करे, बहुत ही वीड्डी गल हले नहीं करनी, लेकिन फिल्म दोस्तों वास्ते वे, प्यार करने वास्ते वे, तो जिहड़े लोग रोटी रोजी वास्ते बाहर जाते ने, जिहड़े लोग किस तरह दूजे मुल्कां च जा के मेहनत करते ने, तो घर ले इत्थे शोखियां मारते ने कि मेरा भरा तो यूके गया, अमरीका गया, तो उन्हां दे पैसों की कदर नहीं होंदी। तुसीं वेखना राइटर साढ़े जिहड़े, उन्होंने बहुत अच्छा काम हाए, जड़ा हीरो है सदके जावां, ते हीरोइन साड़ी एड्डी सोहनी है, ए तुसीं वेखना ते सही तुहानूं लग पता जाएगा शूटिंग हो रही है, इस तो पहलां कि सच्ची मुची मैनूं इस फिल्म च कढ देण। लव यू ड्रामे वाले, रब राखा। क्योंकि इहदी साढ़े पाकिस्तान थिएटर दे फिल्म दे सारे फनकार ने, ये पहली पंजाबी फिल्म ड्रामे वाले जिहड़ी है, ये सब तो ज़्यादा इहदे साढ़े फनकार गए ने, और असी भी मुंतजर हाँ जी रिलीज़ दे, और चढ़ते पंजाब वाले भी ये मुंतजर ने कि ये फिल्म आवे स्क्रीन पर और देखी जाए, और ये सारे तो मुनफरद फिल्म होगी जी। सारी लंदन ही एक्सपोज हुई है ना जी, ये बिच एक पोर्शन सी पाकिस्तान का कि इतने एक बंदे ने आके साडा ड्रामा वेख्या, वो फिर इतों ड्रामे की टीम गई अगर दिस एंड दैट क्या होया, वो पढ़ता स्क्रीन पर वेखना, मैं तुम्हें पूरी कहानी तो नहीं सुना सकता। मेरा है तो कॉमेडियन ही है, लेकिन मेरे बच्चे एक विलन का भी टच है उस, कि भाई मैं एक विलन हाँ, विलन टाइप रोल भी है, मैं लेकिन है कॉमेडी है करता जुगता जुगता ही है। फिल्म जी उ फ्रेंड फ्रेंड बेसिस से हैगी है कि भाई दोस्ती होनी चाहिए, या मेरा चढ़ता पंजाब लेंदा पंजाब आपस में तलकात अच्छे होने चाहिए ने, वही जो रूटीन का मैटर है वही है। लेकिन ये कि ये बुनत अच्छी है, अगे तो पाकिस्तानी एक्टर यानि कि छोटे छोटे रोल मिलते रहने या बहुत बड़े, ये साढ़े मेन रोल ने इस फिल्म में। ये कि सिचुएशनल कॉमेडी मुझे सबसे ज्यादा, कि इस फिल्म में स्क्रिप्ट है, फिर इसका वाइंडअप है, मसलन के फिल्म शुरू कैसे हुई, ख़त्म कैसे हुई, मसलन के ये सिचुएशनल के साथ साथ
एक आप कहेंगे कि आपको जो पाकिस्तान से बिछड़े लोग हैं ना, जो एक दूसरे से बहुत अरसा से पाकिस्तान बनने से पहले बिछड़े दोस्त, वो मिलने की कोशिश करेंगे। और बड़ा हल्ला गुल्ला, सिचुएशनल कॉमेडी, ट्रेजडी, गुड सॉन्ग्स, एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि बस वो ज़बरदस्ती कुछ हो रही है। मुझे इसलिए क्योंकि मैंने आगे भी जो फिल्में की हैं माशाल्लाह, वो भी जैसे मादा लाडला थी, वो एक सिचुएशनल कॉमेडी थी, आपने वो देखी थी फिल्म, तो मुझे वो भी बड़ी पसंद थी। और ये तकरीबन ये उससे बेहतर ही होगी। फिल्में बन रही हैं और मेरा ये डेब्यू है। बड़ी देर का मैंने इंतज़ार सी कि मैंने उधरों कोई इज्जत ना प्रॉपर तरीके ना कॉल आए, वो कॉल आई है तो मैं ये फिल्म का हिस्सा बनया जी। मैंने बड़ी खुशी है कि मैं एक जड़ी पंजाबी प्रोडक्शन है इंडियन, वो कर रहा वहाँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अजय काम शुरू होया। मेरा किरदार अभी बताया नहीं है, लेकिन कहा है कि किरदार है, और जो भी किरदार होगा अच्छा ही होगा, कॉमेडी होगा, आसाने वाला किरदार होता है हमारा, ठीक है। बच्चे नहीं लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए, बच्चे पता नहीं।